कैश बुक्स, दो टाइप की कैश बुक होती हैं, एक सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, और एक टू कॉलम कैश बुक ऑल्सो नोन एज डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम डबल कॉलम। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, कैंसलेशन ऑफ डिस्काउंट, दे आर रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर। डिस्काउंट अलाउड टू राम, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू राम। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट देना, डिस्काउंट लेना, तो मैंने पैसे लिए किसी से 50,000, उसको 500 का डिस्काउंट दिया, अब होती तो वो कंपाउंड एंट्री है कि नहीं? तो वो कह रहा, लेकिन जो डिस्काउंट का पोर्शन है वो कैश बुक में नहीं आएगा, वो कैश बुक में नहीं आएगा। पिछले जमाने में ट्रिपल कॉलम कैश बुक हुआ करती थी, एक जमाने में ट्रिपल कॉलम कैश बुक हुआ करती थी, जिसमें एक होता था कैश, एक होता था बैंक, एक होता था डिस्काउंट, तब डिस्काउंट भी कैश बुक का पार्ट होता था। अब सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक बनती है, तो डिस्काउंट को कैश बुक में नहीं दिखाया जाएगा, और कोई भी जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है वो तो वैसे भी नहीं दिखाई जाएंगी। बट जस्ट बिकॉज पहले डिस्काउंट दिखाया जाता था थर्ड कॉलम में, ट्रिपल कॉलम कैश बुक अब नहीं बनती, अब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक के अलावा एक और चीज बनती है, वो होती है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक इसलिए बनती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब कोई छोटा मोटा खर्चा है कि पेंसिल लानी है, 50 रुपये का खर्चा है, पेन लाना है, तो ये छोटे मोटे खर्चे के लिए सीनियर अकाउंटेंट कहते हैं कि बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करो, ये लो पकड़ो 2,000 रुपये, ये छोटे मोटे खर्चे का हिसाब किताब अपने एंड पे कर लेना और बाद में मुझे सबमिट कर देना, तो उसको बोलते हैं पेटी कैश मेंटेन ओनर। ठीक है, करेंगे, एक सेपरेट बुक है। तो पॉइंट इज, कैश बुक दो तरीके के हैं, एक सिंगल कॉलम एक डबल कॉलम। कैश बुक एक अलग चीज होती है, पेटी कैश बुक एक अलग चीज होती है। तो चलो बेटा, पहले इतना रीड करेंगे।